हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में। मेरे भाई बहुत आसान है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या भैया, एक प्रूवमेंट हम लोग ऐसे लिखे कभी कभी आता प्रूव दैट, और ये 7.5 नंबर पक्के करवाएगी भाई। प्रूव दैट M12 बराबर M21, ये आपको सिद्ध करना। इसका मतलब क्या जब भी समझ लो, एम माने क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि भैया खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो 12 का मतलब है पहली कुंडली पर दूसरे के कारण, और 21 का मतलब दूसरी कुंडली पर पहले के कारण। बात खत्म हो गई भैया। एक में धारा प्रवाहित करोगे दूसरे पे फर्क पड़ेगा, दूसरे में प्रवाहित करोगे पहले पे फर्क पड़ेगा। तो M21 का मतलब पहली का दूसरे के कारण M, दूसरी का पहले के कारण M, ये प्रूव करना। तो उसके लिए हमने क्या करा भाई, बहुत आसान है यार, फ्री के नंबर इधर। इसके लिए हमने दो क्वाइल्स यानी दो कुंडलियां मान ली मेरे भाई, ठीक है। देखो ये पहला डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें करंट यानी धारा कितनी बह रही है, I1। इस कुंडली को काहे से लिख दिया भैया, क्वाइल यानी C1 से लिख दिया, दूसरी वाली को क्वाइल यानी C2 से लिख दिया। इसके लिए भैया लेंथ कंपोनेंट एक छोटा सा लंबाई का भी अब डेल्टा L मान लिया, इसमें धारा कितनी बह रही भैया I2 मान लिया, और जो बनाया वही लिख दिया। बहुत आसान है, देखते रहना, हाई स्कूल के फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। माना C1 C2 दो कुंडलियां हैं, एक C1 माना C2, जो एक दूसरे के बहुत पास हैं। एक में I1 धारा बह रही है, एक में I2 धारा बह रही है, दोनों सर्किट्स में फ्लो हो रही हैं। सेकंड कॉइल के लिए एक लेंथ एलिमेंट डेल्टा L मान लिया, तब सेकंड कॉइल में इस लेंथ एलिमेंट के कारण लगने वाला बल, भैया हमने लंबाई एक छोटा सा हिस्सा मान लिया कि भैया इतने के लिए अभी हम मेजर कर रहे हैं, ठीक। तो जब इतने के लिए मेजर कर रहे हैं तो हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है F बराबर बिल साइन थीटा। सुना नहीं सुना भैया, नहीं सुना तो सुनो, F बराबर बिल साइन थीटा। छोटे से हिस्से के लिए ले रहा है तो भैया छोटे से हिस्से के लिए डेल्टा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डेल्टा लगा देते। तो भैया जो डेल्टा लगाया F2 लिख दिया। F2 क्यों, क्योंकि दूसरी कॉइल के लिए हमने माना हुआ है, दूसरी में धारा कितनी बह रही है I2 बह रही है, लेकिन दूसरी वाला जो है वो क्षेत्रफल कौन, सॉरी जो चुंबकीय क्षेत्र वो कौन सा अनुभव करेगा भैया, खरबूजे को देख के खरबूजा, जो पड़ोस वाली कुंडली में भैया चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका अनुभव जो करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो भैया यहां चुंबकीय क्षेत्र V1 लिख दिया, डेल्टा L मान रखा है, साइन थीटा लिख दिया मेरे भाई। इस तरीके से हम लोगों ने इसे F2 का मान यानी छोटे से हिस्से पर लगने वाले बल के मान को निकाल लिया। जब ये निकल आया हमने क्या लिख दिया, यदि सेकंड कॉइल के लिए फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R हो, यानी मान लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बल लगने से, बल लगेगा तो कुछ ना कुछ भैया डिस्प्लेसमेंट होगा, मान ले रहे वो डेल्टा R है, तो कार्य कितना होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है भैया। तो बल कितना लिख दिया, जो ये मान था I2 V1 डेल्टा L sin थीटा, विस्थापन कितना मान लिया, छोटा सा डेल्टा R मान लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता बताओ, क्षेत्रफल, तो डेल्टा L * डेल्टा R को क्या बना दिया, डेल्टा A बना दिया। क्या बचा, I2 बचा, क्या बचा बताओ यार, देखो I2 बचा, और ये BA sin थीटा क्या बन गया, फ्लक्स बन गया। सबको पता होगा मेरे भाई, फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, डॉट हटाते तो क्या BA cos थीटा या फिर BA sin थीटा, क्यों, क्योंकि sin थीटा का मान अधिकतम कितना हो जाएगा भाई, 1। sin और cos में अधिकतम मान 1 होता है, तो ये तो हो जाएगा भैया 1 अधिकतम के लिए, और बी डॉट ए को हम लोग क्या बना देंगे, फाई बना देंगे। तो हमने बी डॉट ए को फाई 2 बना दिया, I2 ऐसे ले आए, sin थीटा का मान 1 कर दिया भैया, तो डेल्टा W2 का मान I2 डेल्टा फाई 2 आ गया, सरल भाषा में कहें। अब ये डेल्टा मतलब छोटा सा एलिमेंट लिया, L2 उसके लिए है, अगर पूरे एलिमेंट के लिए लेंगे तब तो इंटीग्रेशन कर दो भैया, सब मैथ वाले बच्चे बैठे हुए हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, W का डेल्टा हो गया गायब, यहां आ गया W, ऐसे ही I2 आ जाएगा, यहां से डेल्टा गायब हो जाएगा तो भैया फाई 2 आ जाएगा। जब W निकल आया तो भैया इंटीग्रेशन, देखो I2 ऐसे, डेल्टा गायब हो गया, फाई 2 आ जाएगा, सीधी सी बात। अब क्या करेंगे, जैसे ही W निकाला है वैसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, W1 हमने लिखा, चूंकि फाई 2 बराबर क्या होता है, M21 इंटू आई, फाई बराबर MI होता है मेरे भाई। सर जी ये कहां से उठा ला है भैया, हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फाई 2 बटे में I1, जिंदगी में देखा नहीं देखा भाई, तो M बराबर क्या होता है, फाई 2 बटे I1, तो फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, MI1 हो जाएगा भाई। तो यहां लिख दिया फाई 2 बराबर M21 इंटू में I1 मेरे भाई। अब देखो यहां पे क्या, W2 ऐसे लिखा, फाई 2 का मान क्या रख दिया बताओ, M21 इंटू I1, और संग में क्या चल रहा है, I2 चल रहा है। यहां देखो क्या करा है, ये देखो बताओ मान क्या निकाला, W2 बराबर I2 फाई 2, I2 भैया ऐसे लिखा, फाई 2 की जगह पे क्या रख देंगे, M21 इंटू I1। ये M21 क्या है, दूसरी कुंडली पर पहले के लिए, क्योंकि फाई 2 है ना मेरे भाई, तो दूसरी पे पहले के लिए, ठीक है, दूसरी के लिए पहले के द्वारा, ध्यान से सुनना, जो पहले लिखा हुआ है उस पर,
जो बाद में लिखा उसके द्वारा। ठीक भाई, अब देखो सिमिलरली अगर ये तो दूसरे के लिए निकाला था, पहले के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, डब्ल्यू वन बराबर आई वन फाइव वन हो जाएगा। यार उसमें आई टू फाइव टू था क्योंकि दूसरे के लिए था, पहले के लिए निकालेंगे तो आई वन फाइव वन हो जाएगा। सेम कंडीशन, फाइव वन का मान अब की एम वन टू हो जाएगा क्योंकि वन पहले चल रहा तो वन आ जाएगा, इसमें टू चल रहा था तो टू आ जाएगा। एम और आई का मान यहां पर रख दिया भैया, ये डब्ल्यू टू का मान आ गया, ये डब्ल्यू वन का मान आ गया, कार्य दोनों बराबर होंगे भाई, किसी की किसी से दुश्मनी थोड़ी है, सब कुछ सेम हो रहा है, दोनों कुंडलियां सेम है, लेंथ एलिमेंट सेम है, तो W1 W2 के मान क्या हो जाएंगे बराबर। W1 का मान रख दिया, W2 का मान रख दिया, I1 I2 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा M12 बचेगा, M21 बचेगा और प्रूव हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है मेरे भाई, बहुत आसान है, इसे समझो। M12 का मतलब पहले पर दूसरे के कारण, M21 मतलब दूसरे पर पहले के कारण, यानी दोनों को बराबर सिद्ध करना था। क्या करा एक भैया, लेंथ एलिमेंट मान लिया, दूसरे के लिए माना तो डेल्टा L2 मान लो, क्या लगाया फार्मूला, F बराबर बिल साइन थीटा होता है, अधिकतम के लिए साइन और कॉस की वैल्यू वन हो जाती है। ठीक भैया, तो F बराबर बिल है एक तरीके देखा जाए तो जब कार्य बल निकल आया तो कार्य निकालेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन करा, तो भैया लंबाई गुणे चौड़ाई को डेल्टा ए बना दिया और बी इंटू ए क्या हो जाता है फाई टू बन जाता है। जब फाई टू निकल आया तो फाई टू का मान रख देंगे, फाई टू का क्या मान होता है बताओ, फाई टू का मान होता है एम एम इंटू आई। ठीक है, हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं एम का मान, तो यहां पर रख दिया फाई टू मान। डब्ल्यू टू निकल आया तो वैसे ही सेम भैया डब्ल्यू वन भी निकाल लिया, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के मान बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर दिया, आई वन आई टू से आई वन आई टू कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली इंप्रूवमेंट आएगा एम वन टू बराबर एम टू वन। मेरे भाई इससे आसान नहीं मिलेगा, हम बता रहे आपको, हम बिल्कुल कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा मेरे कंटेंट में कभी कभी आपको लगता होगा थोड़ा देर हो जाती है, लेकिन कभी भी हम ऐसा कंटेंट बनाते ही नहीं है जो बच्चे को समझने में दिक्कत हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम बीडी कैडेट बीएससी पर भी मिलेगी, उसके अलावा जो लोग एप्लीकेशन पे कोर्स में देख रहे हो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेंट। अगला अपना टारगेट क्या होने वाला, कॉन्टेंट न्यूटन्स रिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा आपके लिए, लेके आएंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यह सब दोबारा से बना रहा है, बेहतरीन कॉन्टेंट मेरे पर रिकॉर्डेड, हम चाहें तो वो डाल सकते हैं, नहीं जी आने वाले 7-8 दिनों के अंदर ये सब कवर कर देंगे मेरे भाई, और उसके बाद मुहर लगा देंगे कि ये खत्म हो गया। बस आपको मन लगाते पढ़ते रहना, शेयर करो उन लोगों तक जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो सब कुछ यहीं पे मेरे भाई अवेलेबल है, आराम से देख डालो, और जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो भाई इतना कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं कि आप पढ़ के बहुत आराम से अच्छे नंबर ले आओगे। बाकी कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो बीडी कैडन को, क्योंकि वहां पर अक्सर हम रिप्लाई कर देते हैं लोगों के, जो लोग भी कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं स्टोरी शेयर करते हैं, जिन बच्चों के रिजल्ट आते हैं अच्छे अच्छे रिजल्ट लोग बताते हैं सब स्टोरी पे लगाते हैं, लोग देखते हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है भाई। माहौल ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपका माहौल बढ़ाए, ऐसे लोगों को नहीं जो ठुमके लगा के 20 मिलियन ले जा रहा, नहीं चाहिए 20 मिलियन भाई, 10,000 चाहिए, लेकिन वो 10,000 ऐसे होने चाहिए जो देखेंगे अरे सर ने रिजल्ट लगाया हुआ है 80% आई है 90% आई, प्रेरित हो और आगे बढ़े मेरे भाई। उम्मीद करते हैं थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।